हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम बैक टू पुश योर एजुकेशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर करा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है और अकाउंटेंट के थ्रू कौन कौन से एरर हो सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि उन एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाएगा अकाउंटेंट के थ्रू, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि हम उन एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे, हम मतलब अकाउंटेंट। अब हमें यही समझना है कि वो जो एरर हुए हैं उनको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाएगा। अब रेक्टिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, ट्रायल बैलेंस से पहले उन एरर्स को रेक्टिफाई कर लिया जाए या ट्रायल बैलेंस के बाद में हम उन एरर्स को रेक्टिफाई करें। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले अगर हम रेक्टिफाई कर रहे हैं उन एरर्स को, तो किस तरीके से हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे। जैसा कि हमने समझा था कि दो तरीके के एरर हो सकते हैं हमारे, एक हो सकता है वन साइडेड एरर और एक हो सकता है हमारा टू साइडेड एरर। अगर वन साइडेड एरर है तो हम किस तरीके से उनको रेक्टिफाई करेंगे, अगर टू साइडेड एरर है तो हम उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे वो समझ लेते हैं। इसमें ही फर्स्ट होगा हमारा वन साइडेड एरर होगा, अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर हम रेक्टिफाई कर रहे हैं वन साइडेड एरर को, तो वो किस तरीके का फॉर्मेट होगा। वन साइडेड एरर, अगर वन साइडेड एरर होगा तो पर्टिकुलरली हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू हम उन एरर्स को रेक्टिफाई कर देंगे, एक एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि अगर ये वन साइडेड एरर का मतलब वो सिर्फ एक साइड में एरर है। अगर किसी में हमने ओवर दिखा दी है अमाउंट, डेबिट साइड में ओवर दिखा दी है, तो अगर हम उसको रेक्टिफाई करना है तो हमें उतनी ही अमाउंट से हमें उसको क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब डिडक्ट हो जाएगा। अब ये नहीं है कि उसको हम कट करेंगे और फिर दिखाएंगे, तो हम रिवर्स एंट्रीज कर देंगे या रिवर्स हम उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे, तो हम वो हम एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू दिखाएंगे कि अगर यहाँ पे डेबिट में ज़्यादा हुआ है तो हम उसको क्रेडिट में कर देते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। ये चीज़ें बेसिकली आपको तभी समझ में आएंगी जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि उन एरर्स को, उन न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर वन साइडेड एरर होगा और प्रिपरेशन कर रहे हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की ट्रायल बैलेंस से पहले, तो वो हम एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो रेक्टिफाइड बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट। एक एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे अगर वन साइडेड एरर है। सेकेंड है हमारा टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर या एरर्स नॉट इफेक्टिंग दी ट्रायल बैलेंस, ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ वहाँ पे, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एरर्स नॉट इफेक्टिंग दी ट्रायल बैलेंस, क्योंकि टू साइडेड एरर है, दोनों साइड में एरर है, तो हम बेसिकली ट्रायल बैलेंस से नहीं पता कर सकते कि यहाँ पे एरर हुआ है। अगर टू साइडेड एरर है तो उसके लिए हम कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसके लिए हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज के थ्रू हम बता सकते हैं, उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफाइड बाय पासिंग ए रेक्टिफाइंग एंट्रीज। रेक्टिफाइंग एंट्रीज के थ्रू हम उसको रेक्टिफाई करेंगे अगर टू साइडेड एरर है और हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस से पहले प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा जो कि किस तरीके से हो सकता है हमारा, ये होगा हमारा थ्री कॉलम्स हम बनाएंगे। ये एक रफ डायग्राम हम प्रिपेयर करेंगे जस्ट प्रैक्टिस के लिए, बट आपको वहाँ पे क्वेश्चंस में सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज को एक जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट में, जनरल के फॉर्मेट में शो करना होगा। बट यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्रीज आएंगी कैसे, वो कैसे हम करेंगे, उसके लिए एक थोड़ा सा रफ एक फिगर होगा जिसको हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे होगा हमारा करेक्ट एंट्री, सेकेंड होगा हमारा रोंग एंट्री, थर्ड होगा हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री।
और इसके बाद जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी हम इसी तरीके से अलग अलग एंट्रीज करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बट कर क्या दी है, मतलब रॉन्गली क्या कर दी है, अब उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे उसको, तो पर्टिकुलरली ये इस तरीके से हम उसको प्रिपरेशन करेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू है आपको ये समझाने के लिए कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को हम किस तरीके से हम उनको रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से पहले बट ट्रायल बैलेंस के बाद में जब हम उन एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं तो वो किस तरीके से होगा, अगर वन साइडेड एरर होता है और अगर टू साइडेड एरर होता है। हमने ट्रायल बैलेंस में समझा था कि जब भी हमारा बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा ट्रायल बैलेंस का, और बैलेंस इक्वल कब नहीं आता, जब हमारा वन साइडेड एरर होता है, क्योंकि वन साइडेड सिर्फ एक साइड में एरर है तो एक दोनों में क्या हो जाएगा, वो डिफरेंस आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं होंगे। बट अगर टू साइडेड एरर होगा तो दोनों में ही उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस पर, और बैलेंस तो इक्वल आता है बट वहाँ पर एरर होता है। बेसिकली यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब वन साइडेड एरर था, जब हमारा डिफरेंस था और अकाउंटेंट को फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और उसके पास टाइम नहीं होता, तो वो जल्दी जल्दी में उसको जो भी अमाउंट डिफरेंस आ रही है उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं या सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। मैं ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट पे वीडियो बना चुकी हूँ ट्रायल बैलेंस में, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा जिससे कि आपके यहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड डाउट्स। सस्पेंस अकाउंट जस्ट ओपन किया जाता है इसलिए कि ये एक पर्टिकुलर अभी भी वहाँ पे एरर है जिसको हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इतना अमाउंट का एरर है अभी भी जो अकाउंटेंट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं, यहाँ पे हम उन एरर्स को फाइंड कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एरर्स फाइंड हो चुके हैं। जब हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के लिए ट्रायल बैलेंस में हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन करा था, तो अब उसको क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमें एरर मिल चुके हैं। तो बेसिकली अगर जब वन साइडेड एरर होगा तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हमारा सस्पेंस अकाउंट का एक बिग रोल प्ले करता है यहाँ पर। वो क्या है कि वन साइडेड एरर होने पर विल बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग ए जनरल एंट्री। जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे इधर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग दी सस्पेंस अकाउंट। हमें सस्पेंस अकाउंट को या तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, वो डिपेंड करता है हमारा कि किस तरीके से हम कौन सा एरर है, कौन सा हमारा ट्रांजेक्शन है। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमें डेबिट और क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है, अब हमें उसको क्लोज करना है क्योंकि हमें एरर तो फाइंड हो गए, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है क्योंकि एरर हमें फाइंड हो चुके हैं, क्योंकि अकाउंटेंट ने एरर फाइंड कर ली है। अब आती है टू साइडेड एरर की बात, कि जब टू साइडेड एरर होता है तो हमारा बैलेंस तो इक्वल आता है बट वहाँ पे एरर होता है, वहाँ पे हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता। जब सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ तो जब हम इनके रेक्टिफाई करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, टू साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग ए जनरल एंट्रीज विदाउट इन्वॉल्विंग दी सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे हमारा सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड ही नहीं हुआ था, ओपन ही नहीं हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट के विदाउट इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पे हमें उसको सस्पेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करना ना ही क्रेडिट करना है, सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है विदाउट इन्वॉल्विंग दी सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ था। तो बेसिकली ये आपको समझ में आया होगा कि हम कब सस्पेंस अकाउंट को इंक्लूड करेंगे जनरल एंट्रीज में और कब नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब हमारा टू साइडेड एरर होगा। कब इंक्लूड करेंगे, जब हमारा वन साइडेड एरर होगा। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बना रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बाद में, बट बिफोर फाइनल अकाउंट से पहले। होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती है अकाउंटिंग समझने में, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।